अब कोशिश ये करनी है कि करंट का कोई भी प्रश्न कभी भी बाहर ना हो, इसीलिए इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है और रट लो के साथ आप लोगों के लिए एक और नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं जो करंट अफेयर्स की है। आगे बढ़ने से पहले हमारे सुपर टेट बैच का जो टेलीग्राम चैनल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सुपर टेट की आगामी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए आप उसको ज्वाइन करिए, निःशुल्क ज्वाइन करिए, नीचे दिया गया है, और सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां नोट्स वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप वहां जाके प्राप्त कर सकते हैं जो ये एपिसोड में आपके सामने लेके चल रहा हो। सुपर टेट बैच में कक्षाएं अगले 2-3 दिन में प्रारंभ होने वाली है, प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, आप प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रवेश प्रक्रिया भी दी गई है, स्क्रॉलिंग पर भी डिटेल चल रहे हैं। करंट अफेयर्स की आपकी परीक्षाओं में महती भूमिका है, आपके चयन में करंट में मैं देख रहा हूं कि आपको बहुत सिलेक्टेड पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि करंट में अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कंटेंट को आपको कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। सारगर्भित, सटीक और शानदार तरीके से मैं करंट की श्रृंखला को लेकर आया हूं, जहां पर मैं महीने भर के करंट को आपको 5 बिंदुओं के माध्यम से तैयार कराने की कोशिश करूंगा। हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, बुद्ध तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। कोशिश करेंगे, आप बताइएगा कि एपिसोड कैसा लगा, इस एपिसोड को तैयार करते हैं। संस्था हमेशा प्रतिबद्ध है आपके लिए और मैं करंट के नए नए सेगमेंट के साथ आपके समक्ष तब उपस्थित रहूंगा। एक इस सेगमेंट को भी जोड़ देते हैं और रट लो श्रृंखला जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी, है ना। स्टैटिक जीके की भी एक नई श्रृंखला बहुत ही जल्दी आपके लिए प्रारंभ करने वाला हूं, बहुत जल्दी स्टैटिक जीके की श्रृंखला के साथ भी आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। आइए इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से, आपको मजा आएगा। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि अगली श्रृंखला को और प्रभावी और अच्छा बनाया जा सके। तो आइए हम और आप मिलकर इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, करंट अफेयर्स को बहुत सटीक और सारगर्भित तरीके से तैयार करते हैं। जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आप एक कॉपी पर इन 5 बिंदुओं को बांट लीजिए। मैं आपको हमेशा इन 5 बिंदुओं के हिसाब से ही इस करंट को तैयार कराऊंगा। करंट में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट कैरी करेंगे तो वो भी आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है। करंट की अपनी एक सीमा और भूमिका होती है, एक निश्चित सीमा में ही करंट के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा के देख लें तो करंट को समझने वाले समझ सकते हैं कि वास्तव में करंट अफेयर्स आपसे पूछा कहां जाता है। तो आपको करंट को कैसे तैयार करना है इस एपिसोड से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं 2 तरीके से आप तैयारी कराने आपको चल रहा हूं। एक तो मैं मासिक पूरे माह का करंट इस सारगर्भित तरीके से आपको बताऊंगा एक छोटे से एपिसोड के माध्यम से, और रट लो श्रृंखला लगातार व्याख्यात्मक रूप से चलती रहेगी। तो 2 सेगमेंट हम लोग करंट के आज से करने चल रहे हैं। जनवरी माह के करंट बिंदुओं को तैयार करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने दोनों तरीके से तैयारी की तो जितनी सीमित तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं इससे आपका कोई प्रश्न किसी भी परीक्षा से बाहर नहीं होगा करंट अफेयर्स का। आइए राष्ट्रीय परिदृश्य और पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। पहला जो बिंदु है वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट से संबंधित है। यह आवासीय मॉडल परियोजना है आपकी। प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य इसमें सम्मिलित है। राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है, इनको हम LHPS भी कहते हैं। इस बिंदु को एक बार देख लीजिए। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में लाइट हाउस परियोजनाओं, जिनको हम LHPS भी कहते हैं, कहीं कहीं यही लिखा मिल जाए, की आधारशिला रखी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। यह आवासीय मॉडल परियोजना है। इन 6 राज्यों के नाम आपको विधिवत याद होने चाहिए, अच्छे से अंकित कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से 6 राज्य, कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, या निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल है, इस तरीके के प्रश्न आपके लिए बनते हैं। दूसरा बिंदु आपका चेक लेन देन और RBI से संबंधित है। चेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि बैंक में चेक का दुरुपयोग हो गया, किसी व्यक्ति ने किसी के चेक से गलत तरीके का प्रयोग कर लिया, जालसाजी हो गई। चेक के दुरुपयोग को पूरी तरीके से रोकने के लिए RBI ने एक व्यवस्था की है, जिस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। यह ज्यादा सुरक्षित है ना, चेक के लेन देन के लिए। तो 1 जनवरी 2021 से 50,000 रुपया उससे अधिक मूल्य के सभी चेक हेतु पॉजिटिव पे सिस्टम PPS शुरू करने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिया गया है।
क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम? दो प्रश्न तो आपके यहां से बनते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। जब आप 50,000 रुपया या उससे अधिक का चेक किसी को देते हैं, किसी को देनदारी करते हैं, तो आपको अपने बैंक को संबंधित व्यक्ति का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी ब्रांच का नाम और आप किस लिए चेक दे रहे हैं, इस चेक के पर्पज को आपको निश्चित करना होगा। तो अब लेन देन ज्यादा सुरक्षित होगा। हाँ, क्षणिक देर इसमें लग सकती है कि पहले जितनी जल्दी आपकी क्लियरेंस हो जाते थे, हो सकता है कि अब देर में हो, लेकिन इससे चेक के लेन देन की प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित होगी। 50,000 और उससे अधिक मूल्य के जो चेक हैं वो इसमें रखे गए हैं। तो आप दोनों चीजों को याद रखिएगा, पीपीएस को भी याद रखिएगा और भारतीय रिजर्व बैंक को भी याद रखिएगा। उद्देश्य मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। तीसरा जो बिंदु है, 1 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई लॉन्च किया। तो जो डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होगा और किसके द्वारा जारी किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। नगद रहित लेन देन, हम सभी लोग जान रहे हैं कि नगद रहित लेन देन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम मुद्रा विनिमय के डिजिटलीकरण और डिजिटल समावेशन को बहुत दिनों से बढ़ावा दे रहे हैं। तो नगद रहित लेन देन की जो वृद्धि है, उस वृद्धि को यह सूचकांक मापता है कि कितना नगद रहित लेन देन हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा मुद्रा का डिजिटलीकरण हो रहा है, हम डिजिटल माध्यम से कितने पेमेंट कर रहे हैं, उसकी वृद्धि को यह मापता है। और उसकी वृद्धि के मेजरमेंट के लिए यह लिया गया है। जुलाई 2020 से आंकड़े प्रदर्शित करेगा और ये आंकड़े हर छिमाही आंकड़े प्रदर्शित करेगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लगातार आपके अपडेट होते रहेंगे। तो दो चीजें आपको बेटा यहां पर याद रखनी है कि भुगतान सूचकांक जो है, डिजिटल भुगतान सूचकांक, उसका उद्देश्य क्या है, है ना, और एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। करंट को बहुत सहजता से और बहुत आसानी से आप अपने दिमाग में बिठा लिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, करंट सबसे आसान है। बसरते करते क्या है आप लोग कि आप बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंदर स्टोर करते हैं, आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि करंट एक निश्चित दायरे में ही आपसे पूछा जाता है। अगर आप उस दायरे को समझ लें तो करंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं हो। हमारा दिमाग डस्टबिन नहीं है कि जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है हम सबको ले लें। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं, नहीं, आपको बहुत स्पेसिफिक ही पढ़ने की जरूरत है। नोट्स बनाते हुए आगे चलिए, हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के बिंदुओं को डिस्कस कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। 3 जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक है। देखिए, दो न्यायालय के उच्च जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जनवरी में आपके बदले गए हैं। एक तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो सुधांशु धूलिया है ना, अभी आगे आएगा भी सुधांशु जी हैं, सुधांशु धूलिया जी हैं, इसको भी आपको याद रखना है, गुवाहाटी के हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? जस्टिस मोहम्मद रफीक है। दोनों ही नाम आप याद रखिएगा, व्यक्ति विशेष में आपके काम आएंगे। आगे बढ़िए। 5 जनवरी 2021 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये बहुत रोचक बिंदु है, ध्यान रखिएगा, आपको कई नई चीजें इसमें आज पता चलेंगी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर जापान। अब जापान अगर प्रथम स्थान पर रहा तो उसके आगे 191 क्यों लिखा है, 191, इसका मतलब आपको समझना है। पहले स्थान पर कौन रहा? जापान। दूसरे स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर रहा, 190। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? जर्मनी और दक्षिण कोरिया रहा। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा था बेटा? 85वां है, 85 है। और भारत के साथ तजाकिस्तान ने स्थान को शेयर किया है, मतलब भारत और तजाकिस्तान दोनों कौन से नंबर पर हैं? 85 नंबर पर है। यह जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है बेसिकली दिखाता क्या है, हेनली पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग को दिखाता है। अमेरिका का स्थान इसमें 7वां है। ठीक है, अमेरिका का स्थान कौन सा है बेटा? 7वां। तो पहला स्थान याद रखना है जापान का, सबसे अधिक पावरफुल पासपोर्ट की क्या दिखाता है? रैंकिंग को दिखाता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया, और भारत की रैंकिंग 85 85वीं है, और तजाकिस्तान के साथ भारत ने इस रैंकिंग को शेयर किया है, अमेरिका का स्थान 7वां है। किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है यह इस बात पर निर्भर करता है कि पासपोर्ट धारक बिना वीजा लिए कितने देशों की यात्रा कर सकता है, मतलब
बिना वीजा के फ्री एक्सेस कितने देशों का है, तो आप देख लीजिए कि जापान 191, जापान का पासपोर्ट धारक 191 देशों में बिना वीजा लिए फ्री एक्सेस कर सकता है ना। उसी प्रकार सिंगापुर एक का जो पासपोर्ट धारक है वो बिना वीजा के फ्री एक्सेस कर सकता है 190 देशों में, है ना। जर्मनी और दक्षिण कोरिया 189 देशों में। इसी प्रकार सातवें स्थान पर अमेरिका है और भारत का जो पासपोर्ट धारक है वो 85वीं रैंक के साथ 98 देशों में, 58 जो आपके कंट्रीज है उनमें फ्री वीजा एक्सेस कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण रैंकिंग है जो यहां पर निकाली गई। और यहां पर 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, 85वां है। तजाकिस्तान के साथ हम स्थान को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो 5 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। आइए अगला बिंदु है, 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस हम सभी लोग जानते हैं 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश आए थे, तो इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को इसको मनाया जाता है। अब 9 जनवरी 1915 से नहीं मनाया जा रहा है, इसको 2003 से मनाया जाता है। तो पहला प्रवासी भारतीय जो आपका दिवस था वो 2003 में मनाया गया था 9 जनवरी को नई दिल्ली में, और तब से 2003 से लगातार ये सतत प्रक्रिया आपकी जारी है। यहां पर प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को है उसकी बात नहीं की जा रही है, 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है ना। तो ये युवा लगा हुआ है, ये स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना था। अब देखिए यहां पाया 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग जो भारत के हैं और बाहर भारत में रहते हैं, उनका भारत के विकास में क्या योगदान है या उनके भारत के विकास में योगदान को सुनिश्चित करना। दो चीजें मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि यह क्यों मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे अपने भारत देश, इसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है आपका, ठीक है। 2003 से यह मनाया जाता है, पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 को मनाया गया था 9 जनवरी को। कहां मनाया गया था, दिल्ली में। तब से लेकर अभी तक यह अनवरत रूप से मनाया जाता है और इसका 16वां संस्करण है। आइए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश राज्यपाल के हस्ताक्षर के उपरांत 9 जनवरी 2021 को प्रभावी हुआ है ना। तो सबसे पहले तो अगर ये देखा जाए कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध जो अध्यादेश है उसको जारी करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले तो ये कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आप देखिए कि जैसे धर्म परिवर्तन की घटनाओं को बहुत सुना जाता था, बहुत देखा जाता था, बहुत पढ़ा जाता था। अब आप उत्तर प्रदेश में यदि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या तो करवा रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपको जिलाधिकारी को सूचित करना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन करने वाले को 60 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, है ना। धर्म परिवर्तन करने वाले को 60 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और धर्म परिवर्तन कराने वाले को 30 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दोनों ही तरह की सूचनाएं आप किसको देंगे, जिला अधिकारी को देंगे, और जिला अधिकारी पहले इसकी वैधता को समझाएगा कि क्या कोई दबाव डाला गया, ऐसा आवश्यक है, और क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आपने इस नियम का उल्लंघन किया तो जो ये अपराध है वो संज्ञेय और अजमानती अपराध की श्रेणी में है, अजमानती अपराध की श्रेणी में। ध्यान रखिएगा कि जब ये नियम लाया गया तो कोविड-19 के कारण विधानसभा सत्र में नहीं थी। विधेयक को अध्यादेश के रूप में राज्य मंत्रिमंडल ने जारी करने का निर्णय लिया और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद 9 जनवरी को लागू हुआ। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213
राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की या वैध अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2013 के तहत राज्यपाल के हस्ताक्षर के उपरांत 9 जनवरी 2021 को यह प्रभावी हुआ। यह अनुच्छेद कई बार आपसे पूछा गया है और इसके जो अपराध हैं, इससे उल्लंघन के जो अपराध हैं, वो संज्ञेय और अजमानती अपराधों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हुई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, व्यक्ति विशेष, अभी मैं एक बार इनको डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने मध्य प्रदेश के जो है मुख्य न्यायाधीश के बारे में डिस्कस किया था। 11 जनवरी 2021 को देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन MEE, ये मी आंदोलन नहीं है, MEE अलग है ना, पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अब आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि MEE है क्या, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। अभी अगर हम भारत में देखें तो वर्तमान में कुल संरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वो 903 है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में कुल संरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वो बेटा कितनी है, नोट करिएगा कहीं, कुल संरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वो भारत में 903 है। क्लियर है? कभी कभी इसका भी वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो 101 राष्ट्रीय उद्यान है, 503 वन्य जीव अभ्यारण है, 101 राष्ट्रीय उद्यान है, 503 वन्य जीव अभ्यारण है, देखते चलिए बेटा थोड़ा सा मैं नोट कर रहा हूं, 86 अगर हम लोग देखा जाए तो 86 आपकी जो संख्या है वो संरक्षण रिजर्व है, 86 आपके संरक्षण रिजर्व है। तो अब एक और बचता है श्रेणी में आपका सामुदायिक रिजर्व जो है वो 103 है, 103 आपके सामुदायिक रिजर्व है, सामुदायिक रिजर्व है। क्लियर? टोटल अगर हम इन सबको देखें तो ये सब मिला के आपका 903 होता है। और 11 जनवरी 2021 को देश के 146 है ना राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन MEE है ना, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवल्यूएशन, पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। आइए 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर में लगभग 717 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। अब क्या आप में से कोई मुझे कमेंट करके ये बताएगा कि इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इस योजना का प्रारंभ जो है जुलाई 2015 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था बेटा? इस योजना को याद रखिएगा, जुलाई 2015 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था, है ना। प्रशिक्षण देकर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या बीच में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना, प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना, रोजगार परक युवा बनाने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। और इसका जो तीसरा चरण है जिसको कहा गया है 3.0 है ना, लगभग 717 जिलों में तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की पांचवी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 और 16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस उपलक्ष्य में किया गया बताइए? पांचवी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई, है ना, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था बताओ बेटा? इसका सीधे सीधे उद्देश्य था व्यापार उद्योगों को बढ़ाना, व्यापार को प्रोत्साहित करना और व्यापार के लिए एक स्वस्थ वातावरण को यहां पर प्रदान करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लाइसेंस की सिंगल विंडो क्लियरेंस को क्लियर करना। मैं योजनाओं को आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। तो ये स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 और 16 जनवरी 2021 को। किस उपलक्ष्य में? 15 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था, पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी,
अभी चर्चा में है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग पहले ये बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो डिजाइन है वो किसने बनाई? प्रसिद्ध मूर्तिकार भारत के, है ना, राम सुतार जी ने। पूछा गया है पिछली 3 परीक्षाओं में, याद रखिए, राम सुतार, है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पहले जानते हैं, कहां पे स्थित है? गुजरात के नर्मदा जिले, सभी को मालूम होगा। केवड़िया स्थान, केवड़िया स्थान है। सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर की जो है दूरी पर साधु बेट द्वीप है। क्या है? साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप में ये मूर्ति आपकी स्थित है, जिसको हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर 2018 में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसको क्या किया गया था? विमोचित किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है, तो ये नर्मदा जिले में है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी के एक टापू साधु बेट में है, और सरदार सरोवर बांध बना है वहां पर है। ठीक है, राम सुतार जी ने इसका डिजाइन तैयार किया था। 182 मीटर की ये मूर्ति है, 597 फीट, 182 मीटर लगभग, अगर फीट में पूछा जाए तो 597 फीट की है। और अगर हम आधार को भी शामिल कर ले, ये बिना आधार, तो आधार को शामिल करने पर लगभग ये 240 मीटर की है आपकी, है ना, 240 मीटर की आधार के लेके। और फीट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 790 फीट आधार को लेकर है, 790 फीट है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा था कि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के दौरे पर थे तो उन्होंने 8 नई ट्रेनों को संचालित किया, जिसमें से एक ट्रेन आपकी महामाना एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश को भी मिली, जो वाराणसी से केवड़िया को सीधे जोड़ेगी। तो मैं एक बार उन ट्रेनों की लिस्ट भी आपको बता देता हूं, ये वो ट्रेन है, देखिए, है ना, है ना। तो ये महामाना एक्सप्रेस केवड़िया से वाराणसी, बाकी ट्रेनों की लिस्ट भी आप देख लीजिए, दादर केवड़िया, जनशताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद केवड़िया, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस केवड़िया हजरत निजामुद्दीन, केवड़िया रीवा एक्सप्रेस केवड़िया से रीवा मध्य प्रदेश से जोड़ रही है आपके पड़ोसी राज्य से, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस से दक्षिण भारत से केवड़िया को जोड़ रही है, और 2 मेमू ट्रेन चलाई गई जो प्रतापनगर और केवड़िया से प्रतापनगर के लिए, है ना, ये ट्रेनों के नाम। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्पाइस जेट द्वारा अहमदाबाद से केवड़िया के लिए एक सी प्लेन सेवा का भी उद्घाटन किया गया है, इसको भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। 31 अक्टूबर 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा समुद्री विमान सी प्लेन सेवा, सी प्लेन समुद्री विमान, ध्यान दीजिएगा, सी प्लेन सेवा का उद्घाटन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा जिले तथा साबरमती रिवर फ्रंट, याद आ रहा है वो झूला, है ना, झूला झूले थे ना यहां पे किसी के साथ प्रधानमंत्री जी, तो साबरमती रिवर फ्रंट से लेके और केवड़िया नर्मदा जिले के लिए किया गया स्पाइस जेट के द्वारा, स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा ये संचालित है। आइए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगले बिंदु पर बढ़ने से पहले ऐसे ही आसानी से नोट्स बनाते रहिए, मैंने शुरुआत में भी कहा संस्था में सभी तरीके के बैच चल रहे हैं, आपका सुपरटेट का बैच इस समय ट्रैकिंग बैच है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार बैच टारगेट बटालियन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में चल रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। तो सुपरटेट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो आंख मूंद कर, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ऐसे ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको सुपरटेट की तैयारी करनी है तो उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप स्वतः ज्वाइन कर लीजिए। सुपरटेट में कक्षाएं परसों से हम लोगों की प्रारंभ हो रही है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और लाइव बैच है, लाइव क्लासेज है। टारगेट भी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के सभी टीचर प्रतिबद्ध है सर्वश्रेष्ठ सर्व करने के लिए, हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। जो सुपरटेट के लोग पढ़ रहे होंगे या अन्य बैचेज के जो लोग पढ़ रहे होंगे वो नीचे फीडबैक के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, करंट में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर की जिम्मेदारी जो आपकी करंट के साथ लगभग 49 नंबर आपके बनते हैं, 45 से 50 नंबर के आसपास, उनकी जिम्मेदारी मैंने स्वयं ली है आपको, मैंने परसों भी एक वीडियो बनाया था। इसी प्रकार इसी माध्यम से आप चीजों को करते चलिए, निश्चित रूप से बड़ी सहजता से हम लोग पूरे करंट को तैयार कर लेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रहा हूं, या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, क्रमवार लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी, क्रमवार आप इसको लेते चलिए, मैं वादा करता हूं आपकी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा। बस इन 2 श्रृंखलाओं को आप अच्छे से फॉलो करिए।
बाकी आपका उत्साह आपके कमेंट से दिखता है, आपके कमेंट जितने सजग होंगे, आपके कमेंट जितने अच्छे होंगे, उतना ही प्रभाव जो है पड़ता है आगे काम करने का। आपके कमेंट से टीम को ऊर्जा मिलती है, संस्थान को ऊर्जा मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं नए नए इनोवेटिव तरीके से नए नए कार्यक्रमों को आपके सामने लेकर आऊं। तो उम्मीद है कि आपका रुख सकारात्मक होगा और आपको इस श्रृंखला का पहला जो एपिसोड है ये बहुत पसंद आया होगा और मैं इसी तरह इस श्रृंखला को और प्रभावी रूप से आगे भी जारी रखूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और शेष हिस्से को हम लोग इसके कवर करते हैं। नीति आयोग द्वारा बहुत सी रिपोर्ट और इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं। नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के द्वितीय संस्करण को जारी किया गया। क्लियर। 17 अक्टूबर 2019 को प्रथम संस्करण जारी किया गया था। अब आप इस समझ लीजिए कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो तीन श्रेणियों में, राज्य की तीन श्रेणियों के में नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, वो तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं और दो दो राज्यों का नाम आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि शीर्ष बड़े पांच राज्यों की श्रेणी को अगर हम लोग देखें तो उसमें पहला राज्य कर्नाटक है और दूसरा महाराष्ट्र है। इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है जनवरी में, शीर्ष पांच उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों को देखें तो हिमाचल प्रदेश का स्थान पहला है और उत्तराखंड का दूसरा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि किस श्रेणी में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए शीर्ष पांच बड़े राज्यों की श्रेणी में जो नीति आयोग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, सबसे प्रथम स्थान किसका रहा, तो कर्नाटक का रहा है ना। अगर शीर्ष पांच उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश या शहरी राज्यों की श्रेणी देखी जाए तो दिल्ली पहले स्थान पर है और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को 17 बड़े राज्यों की रैंकिंग में, मतलब कुल 17 राज्य थे आपके इस श्रेणी में, उन 17 बड़े राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 9th स्थान मिला, 9वां स्थान मिला। तो उत्तर प्रदेश का स्थान भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए यूपी स्पेशल के काम का है। आइए अगला बिंदु है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इस वर्ष उनकी 125वीं जयंती के जो है उपलक्ष्य में बंगाल में घोषणा सरकार के द्वारा की गई और बंगाल में इसका कार्यक्रम भी पराक्रम दिवस का आपका रखा गया था, जो कार्यक्रम कई मामलों में थोड़ा बहुत विवादित भी रहा और जिसके चर्चा के विषय कई और रहे, आपने सुने भी होंगे। ठीक है, तो ये 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष अब मनाया जाएगा। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है ना, हमेशा दिए जाते हैं, इस बार भी दिए गए। अब देखिए आपको पूरे 119 लोगों के नाम नहीं रखना है, आप याद नहीं रखना, आपको कैटेगराइज करना है कि कितने लोगों को मिला, कितने कौन कौन है, यह ध्यान रखना कुल कितने लोग हैं। और सबसे पहले याद रखना है कि सबसे दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है आपका, जिसको आप पद्म विभूषण कहते हैं, वो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया। तो देखिए टोटल पुरस्कार दिया गया 119 लोगों को, जिसमें 7 को पद्म विभूषण है। इन 7 व्यक्तियों का नाम, जो महान व्यक्ति है, इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न हमेशा इन 7 में से ही आता है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, है ना। 10 को पद्म भूषण मिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और 102 को पद्मश्री मिला, 102 को पद्मश्री मिला, तीनों को जोड़ दीजिए तो 119 हो जाएगा। इस सूची में कुल कितनी महिलाएं हैं, 29 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर भी है। मतलब टोटल अगर 119 लोगों में देखें तो 29 महिलाएं हैं और एक क्या है, ट्रांसजेंडर है। अब आप ये देख लीजिए कि किस किस को पद्म विभूषण मिला। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है, पद्म विभूषण है। तो शिंजो आबे जनसेवा जापान, एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत मिला, कला ये तमिलनाडु से है, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा से, ये भी तमिलनाडु से है, नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूएस से है, मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्म ये दिल्ली से है, बीबी लाल पुरातत्व ये दिल्ली से है और सुदर्शन साहू कला ये उड़ीसा से है। इन 7 लोगों का नाम और क्षेत्र आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसको इस बार पद्म विभूषण नहीं मिला, जिसमें से 3 नाम यही होंगे और एक नाम आपको बदल दिया जाएगा, हो सकता है पद्मश्री का एक नाम आपको दे दिया जाए।
तो पद्म पुरस्कार तो मिले हैं बट पद्म विभूषण नहीं मिला। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ये सातों नाम आपको जरूर याद रखना है, इनका क्षेत्र याद रखना है और ये किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको भी आपको याद रखना है। आइए अगला बिंदु जो आपका है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मंजूरी दी गई, बिल्कुल, और ये सभी परियोजनाएं सिंधु और उनकी सहायक नदियों पर हैं, सिंधु और उनकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जनवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 विद्युत परियोजनाओं को किस नदी, तो सिंधु और सहायक नदियों में, और किस प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मंजूरी दी गई। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021, कई रोचक बिंदु इसमें आपको पता चलेंगे। अब देखिए स्वीडन इसकी चौथी रैंक है, चौथी रैंक है लेकिन स्वीडन का स्थान सर्वोच्च है, मतलब चौथा स्थान है लेकिन सर्वोच्च है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में प्रथम तीन स्थान खाली रखे गए हैं। क्यों खाली रखे गए हैं? क्योंकि इसकी जितनी भी श्रेणियां थी प्रथम तीन स्थानों के लिए, किसी भी देश ने प्रथम तीन स्थानों के लिए उन सभी श्रेणियों में क्वालिफाई नहीं किया या उन सभी श्रेणियों के मानकों को पूरा नहीं किया, तो प्रथम तीन स्थान रिक्त रखे गए हैं। चौथे स्थान पर कौन है? स्वीडन है। इसका मतलब सर्वोच्च स्थान जो है वो चौथा है और वो किसका है? स्वीडन का है। ठीक है, भारत का स्थान दसवां है, भारत का स्थान दसवां है और अंतिम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, अंतिम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान दीजिएगा, उच्च प्रदर्शन हाई परफॉर्मेंस करने वाले G20 समूह के दो देश यूके तथा भारत हैं, है ना, यूके तथा भारत है। उच्च प्रदर्शन करने वाले G20 समूह के जो दो देश हैं वो यूके तथा भारत हैं। तो दसवां स्थान इसमें भारत का है। अगर हम इसके बारे में और देखें, जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 57 देशों और यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया था। चार कैटेगरियों में ये मिलता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु नीति के आधार पर इसमें रैंकिंग प्रदान की जाती है और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? दसवां है। 30 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा AFSPA अफस्पा कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। यह कानून कब लाया गया था, क्या कोई कमेंट करके हम लोग बता सकता है? संसद द्वारा पारित कानून है और यह जो है भारतीय सेना को अशांत क्षेत्रों पर काबू करने के लिए क्या करता है, स्पेशल पावर देता है, कुछ अलग से शक्ति देता है जो संसद द्वारा सीधे इनको प्रदत्त है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्लियर, 6 माह के लिए नागालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 को, यह लागू किया गया था, यह पारित किया गया था, है ना, 11 सितंबर 1958 को यह पारित किया गया था। 29 सितंबर को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा गुजरात सरकार ने की, तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है किस राज्य ने नई सौर नीति 2021 की घोषणा की, तो किसको लेकर? 29 दिसंबर को। इसको भी मैंने जनवरी में ले लिया क्योंकि बहुत नजदीक का था और बहुत जरूरी था, तो गुजरात आपका उत्तर हो जाएगा। भारत की 100वीं किसान रेल को 28 दिसंबर 2020 को रवाना किया गया। ठीक है, कहां से कहां रवाना किया गया बताइए, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? संगोला महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल शालीमार, ठीक है, संगोला से शालीमार। अब अगर हम राज्य का नाम देखें तो शालीमार ये पश्चिम बंगाल में है आपका और संगोला ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये 100वीं ट्रेन है, 100वीं। पहली ट्रेन का कोई बता सकता है? पहली किसान रेल कहां से थी, क्या आप में से कोई कमेंट करके मुझे बताएगा? पहली किसान रेल जो थी वो थी आपकी देवदाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। पहली किसान रेल कहां से थी? देवदाली से दानापुर, ये भी याद रखिएगा बेटा। दानापुर आपका कहां पे है? बिहार में है और देवदाली आपकी कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो पहली और 100वीं दोनों ही महाराष्ट्र से चलाई गई बट गंतव्य अलग अलग थे। 100वीं चलाई गई पश्चिम बंगाल तक
और ये चलाएगी दानापुर बिहार तक। क्लियर हुई बात? आइए, 26 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा उद्घाटित INS खुसरी स्मारक द्वीप में स्थित है। यह एक पानी का जहाज था, है ना। 1971 में जलमग्न हो गया था, भारतीय सेना को काफी नुकसान इससे हुआ था और इसी की प्रतिकृति के रूप में स्मारक है और ये दमन एवं द्वीप में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, जहाज की प्रतिकृति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रति वर्ष 27 दिसंबर को सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की। ठीक है, सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा हो गया बताइए? उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया। साहिबजादा दिवस कब मनाया जाएगा? 27 दिसंबर को। अब यह समझ लीजिए कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों की शहादत के जो है याद में मनाया जाता है। चार पुत्र कौन कौन से थे? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये चारों गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनकी शहादत की याद में यह जो है मनाया जाता है 27 दिसंबर को। ठीक है, आइए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लेते हैं। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पांच देश है ना, पांच देशों ने, अब चूंकि 1 जनवरी से ही ये शुरू होता है, 2 वर्ष के लिए ये होता है, तो ये 31 दिसंबर 2022 तक है। 31 दिसंबर 2022 तक है। पांच देश कौन कौन से है? भारत है, भारत के साथ नॉर्वे है, केन्या है, मैक्सिको है और आयरलैंड ने कार्य प्रारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 15 है। इन 15 में 5 स्थायी हैं और 10 क्या है? अस्थायी हैं। यह जो है ये अस्थायी सदस्यों के रूप में काम यहां पर शुरू किया जिसमें भारत भी शामिल है। कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक होगा। आइए, इसी के बारे में जानकारी है जो मैंने आपको भी दी। 1 जनवरी 2021 को स्वीडिश गोल्फर खिलाड़ी एनिका सोरेन स्टेम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां आपसे पूछ ली जाती हैं और अभी क्रिकेट और हॉकी से भी मामला शिफ्ट हो रहा है गोल्फ और फुटबॉल की तरफ, तो ये नियुक्तियां भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे है, 7 जनवरी 2021 को जारी वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों में GDP की वास्तविक विकास दर ऋणात्मक 7.7% अनुमानित है, अक्सर आपसे पूछी जाती है। प्रथम अग्रिम अनुमान की बात मैं कर रहा हूं, प्रथम अग्रिम अनुमानों में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जनवरी 2021 में अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जो है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा न्योता भेजा गया था। कोविड के नए स्ट्रेन और बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आधिकारिक रूप से इस यात्रा को रद्द किया गया और यह पहली बार हो रहा है कि स्वतंत्रता के बाद 50 वर्षों में गणतंत्र दिवस बिना किसी मुख्य अतिथि के ही इस बार मनाया गया कोविड के चलते। तो कोविड ने बड़ी बड़ी हलचल की है और इस बार ये सांस्कृतिक हलचल हुई है और इसी कारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी की इस यात्रा को रद्द करना पड़ा। आइए, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में प्रस्तावित है। क्या कोई बता सकता है G7 में कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं? कमेंट करके बता सकता है 7 राष्ट्र कौन से हैं? तेजी से बताइए, G7 में कौन से 7 राष्ट्र हैं बताएं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर से दोहरा रहा हूं, लिख लीजिए, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। आइए, दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है G7। जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा, जो कि फिजी में आया था, तो यासा चक्रवात था जिसका संबंध किस देश में था? फिजी देश में था। मानवीय सहायता एवं आपदा सामग्री पहुंचाई। वर्ष 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, रचनात्मक, देखिए हर वर्ष को जब कुछ घोषित कर दिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए
रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2021 को। तो 2021 पहले से घोषित है, ये आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पेन डाउन कर लीजिएगा, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन इत्यादि उत्सर्जनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा E20 ईंधन प्रस्तावित है। तो E20 ईंधन क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, E20 ईंधन क्या है, और जो आपको चार विकल्प दिए जाएंगे उनमें से एक विकल्प ये होगा, तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित ईंधन, है ना, E20 ईंधन। याद रखिएगा नाम भी और क्या है इसको भी आपको याद रखना है। 31 दिसंबर 2020 को एग्रो इंडिया हैकथॉन के पहले संस्करण का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। ये किसानों से संबंधित था, किसानों से संबंधित अभी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। दिसंबर 2020 को रोमानिया के नए प्रधानमंत्री फ्लोरेंस सीटू निर्वाचित हुए। रोमानिया, ध्यान दीजिएगा, ये नियुक्ति है, रोमानिया के नए प्रधानमंत्री फ्लोरेंस सीटू। अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 नवंबर 2020 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 नवंबर 2020 को ही बन गए थे जब पोल के आपके नतीजे आए थे, लेकिन उन्होंने शपथ ली अभी 20 जनवरी 2021 को नए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। डोनाल्ड ट्रंप जी की विदाई हो गई। अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का कार्यकाल 2009 से 2017 तक रहा है, मतलब इससे पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और अब 46वें राष्ट्रपति के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं। क्लियर है, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय मूल की, आपको अच्छे से मालूम होगा। पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से आई है। पहली अश्वेत एवं एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर लिया। कोविड-19 से संबंधित चीजों को समझ लीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब एक गौरवान्वित नाम है हम सभी के लिए, यह कहां पर स्थित है, पुणे में स्थित है। एवं मैसर्स भारत बायोटेक जिनके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक DGCI द्वारा 3 जनवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की गई और 16 जनवरी से इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया। किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे एवं भारत बायोटेक। अब इसका नाम क्या है और वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी। टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर, ये इसका नाम है, जिस नाम से इसको पास किया गया है, जिसका शॉर्ट टर्म हम लोग क्या कहते हैं, कोविशील्ड। क्या कहते हैं, कोविशील्ड। क्लियर है। भारत बायोटेक द्वारा जिनके द्वारा विकसित जो वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड कोविड-19 टीका, वो कोवैक्सीन है। तो भारत बायोटेक द्वारा जो है ये कोवैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो विकसित है, अभी मैंने क्लियर किया, वो क्या है बताइए, वो कोविशील्ड है। आइए, यूनाइटेड किंगडम कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया, हम सभी को मालूम है यूके में चल रहा है। यूके में मिले कोरोना वायरस स्ट्रेन का जो नया नाम है वो क्या है, VUI, ध्यान दीजिएगा, 2020-12-1B117 दिया गया है। देखो, या तो यह कहा गया है V117, क्लियर, या हम कहते हैं VUI 2020-12-01, ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा, इसको जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2-3 चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव गोरखपुर में आयोजित किया गया, ठीक है, फरवरी में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा फर्टिलाइज राइस योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चंदौली जिला चयनित है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फोर्टिफाइड राइस योजना के अंतर्गत चयनित है, वो क्या है, चंदौली है आपका। खेल देख लीजिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी भारत ने जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से जीता है, 32 वर्ष के बाद
जो है ये मौका हमें प्राप्त हुआ है। हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से वार्डर गवास्कर ट्रॉफी अभी जीती है और इस समय इंग्लैंड के साथ हमारे मैच चल रहे हैं, नई श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो वार्डर गवास्कर ट्रॉफी 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 से जीता है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, दूसरा मैच मेलबर्न में था, ठीक है, तीसरा मैच अनिद्रा ड्रा था और चौथा मैच फिर भारत ने जीत के जो है वो जीता। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें नहीं, वर्ष 1988 के बाद गावा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की चौथे टेस्ट मैच में पहली हार थी। तीसरी बार भारत ने वार्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की, बीसीसीआई द्वारा 5 करोड़ की इनाम राशि की घोषणा की गई। ठीक है, तो जनवरी माह के इस करंट को हम लोगों ने कंक्लूड किया। कैसा लगा आपको यह एपिसोड, इसको और प्रभावी बनाकर मैं प्रस्तुत करूंगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। संस्था में यूपी टेट और एसटेट के लिए बैच चल रहा है। एसटेट के बैच को ज्वाइन करने के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एंट्री एसटेट लिखकर भेजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगले 2 दिन बाद कक्षा शुरू होने चल रही है और ये अंतिम मौका है, इसके बाद शायद कोई बैच करने का समय भी आपको ना मिले, पहली बात। दूसरी बात, फ्री एस्टेट का चैनल नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, एस्टेट बैच को ज्वाइन करने का फ्री, तो आप उसको क्लिक करके एस्टेट बैच के टेलीग्राम को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारी सूचनाएं और नोट्स आपको वहां पर प्रदान किए जाएंगे। संस्थान में यूपी टेट का भी बैच चल रहा है, 9 फरवरी से इसकी कक्षाएं प्रारंभ है। अगर आप यूपी टेट की पात्रता परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप यूपी टेट 2021 लिखकर भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, आप संस्था से बात करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये आपके संस्था के नंबर हैं। इन नंबर्स पर आप प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कॉल करके बैचेज के विषय में जानकारी ले सकते हैं। जो भी यूपीएसआई के सदस्य हैं, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में संस्थान में आपके कौन कौन से बैच आ रहे हैं, इनके बारे में भी आप देख लीजिए। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो नवीन बैच 15 से 20 फरवरी के बीच में होगा। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल का एक और नया बैच आपका लगभग फरवरी में ही आएगा। टीजीटी पीजीटी के भी नए बैच आने वाले हैं। जो कमीशन के सदस्य हैं उनके लिए पीसीएस का क्रैश कोर्स सर्वश्रेष्ठ टीम के द्वारा और आरओ एआरओ के बैच बहुत जल्दी ही घोषित होने वाले हैं। तो अगर आपको इन परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, तैयार रहें। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके समक्ष उपलब्ध रहेगा इन सभी बैचेस के साथ सर्वश्रेष्ठ सर्व करने के लिए आलोक सर के कुशल निर्देशन में। एसटेट का सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा और सबसे धुआंधार बैच हमारे यहां प्रारंभ होने चल रहा है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया को मैं बता चुका हूं, आप प्रवेश ले सकते हैं। एसटेट और यूपी टेट दोनों में प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है। उम्मीद है कि संस्थान के नए प्रयास आपको पसंद आ रहे होंगे। आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा, कितना तैयार हुआ, और आपके टेलीग्राम में जो नीचे टेलीग्राम मैंने आपसे ज्वाइन करने के लिए कहा है, इसका पीडीएफ और सभी तरीके के पीडीएफ के लिए नीचे सुपर टेट बैच का टेलीग्राम है, आप फ्री में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।